साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट शोक चौधरी। साथियों आज नए टॉपिक पे बात करेंगे। कुछ कुछ मतलब उनको कुछ भी बोलो, देखो कहीं काम कोई भी कर लो, मैंने आपने भी देखा होगा, मैं भी देखता हूं कि कहीं पर भी देख चले जाओ लोग भगवान को भी गालियां देते हैं, चाहे वो कोई भी धर्म से हो उनको लोग गालियां देते हैं। क्योंकि कुछ तुच्छ प्राणी ऐसे होते हैं जिनको माँ बाप ने शिक्षा सही दे के पैदा नहीं किया या बड़ा होने पर शिक्षा उनको सही नहीं मिली, तो वो जीवन भर खुद गाली खाते भी हैं, दूसरों को भी उनका काम यही रह जाता है। क्योंकि दूसरी बात, आपने देखा होगा यूट्यूब पे या कहीं पर भी भजन, भगवान के भजन चल रहे हैं, वो चाहे किसी भी धर्म से हो उस पर भी लोग डिसलाइक करते हैं। क्यों करते हैं भाई, क्यों करते हैं, सोचने की बात है ना। क्योंकि वो इंसान गंदे होते हैं, उनकी सोच खत्म हो जाती है। तो कुछ लोगों की सोच मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। 5-6 महीने से मैंने सिस्टम बंद कर रखा था, लेकिन अभी मुझे मजा आता है यार, कंट्रोवर्सी में मुझे मजा आता है कि जो लोग ऐसे बिना बिना दिमाग लिए अनपढ़ लोग, अनपढ़ कैटेगरी के, उनकी कोई औकात नहीं होती, ठीक है, वो लोग कुछ भी लिख देते हैं, तो उनको उनके बारे में आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, शायद ये वीडियो उन तक भी पहुंच। एक चैनल है, एक देखिए उन्होंने खुद ये इसने खुद ने चैनल बना रखा है, चैनल का नाम है चैनल सूचना, ठीक है। ये क्या लिखते हैं, चूतिया बनाना छोड़ दो, नंबर भी नहीं लग रहा है। अब एक इस इंसान को एक वीक पहले इसने मुझे कमेंट किया, मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा सब लोगों के। एक वीक पहले मैं दुबई में था, इस हरामी आदमी को ऐसे पता नहीं लगता, या मुझे भी आती हैं, लेकिन मैं पढ़ लिख के सभ्य बन चुका हूं भाई। मैं आपकी तरह अनपढ़ गंवार आदमी नहीं हूं कि किसी को बकवास करके कुछ भी लिख दूं। सभ्य इंसान वो होता है कि एक बार उसका नुकसान हो जाए ना, तो भी वो सामने वाले को गलत नहीं बोलता। और आप लोगों से मैंने कौन सी रकम खा रखी है भाई, पैसे दे रखे हैं। मैं बता दूं, जिन्होंने पैसे दिए ना वो इतनी बात नहीं करते, जो फोकट में सलाह लेना चाहते हैं। और ये वो कमेंट हैं जिनकी औकात नहीं है 500 रुपये मुझे दे के अपना समस्या की प्रॉब्लम समाधान करवाने की। उनको मैसेज आता है 500 रुपये का, तो उनकी उनको उनकी औकात नहीं है 500 रुपये देने की। वो फिर क्या था, गलत कमेंट यहाँ पे भड़ास निकालते हैं। तो ये लोग ये लिख रहा है कि चूतिया बनाना छोड़ दो, नंबर तेरा नंबर नहीं लग रहा। 1 महीने आपको पता है कि मैं 12-15 दिन से दुबई में हूँ, नंबर कहाँ से लगेगा, और नंबर इंडिया में नहीं लगता है तो क्या होगा, ऐसी बातें लिखोगे। माँ बाप ने ऐसे संस्कार दिए हैं, अपने मम्मी पापा को भी ऐसा बोलता है, मम्मी को भी ऐसा बोलता है, मम्मी चूतिया तू टाइम पे खाना नहीं बनाती है, ऐसे बोलते हो, थोड़ी तो शर्म कर ले। फिर कमेंट कर देना भाई, मैं तो फिर आंसर दूंगा, कमेंट कर लेना आप, रेगुलर कमेंट के आंसर चलेंगे। जो अच्छा कमेंट हो तो उनको अच्छे तरीके से देंगे, बैड कमेंट हो तो उसी लैंग्वेज में मैं कमेंट दूंगा। क्योंकि मैं बता दूं आपको, क्योंकि मुझे इन चीज़ों में मुझे कमाई नहीं करनी, नहीं तो मैं यूट्यूब से मेरी इनकम होती है। कि आप चैनल देखना छोड़ दोगे तो मैं मुझे नुकसान हो जाएगा, मत देखो भाई, कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे लोगों की, 1% भी ज़रूरत नहीं है। यूट्यूबर नहीं बोलते ये बात, मैं बोलता हूँ, क्योंकि मैं इनसे मुझे कोई कमाई नहीं होती। यूट्यूब पे कमाई कब होती है, जब ऐड आता है। मेरे ऐड देखा है कभी, मेरे यूट्यूब पे ऐड आता है, नहीं आता। और नहीं मैं ये काम करता हूं तो आपको बहला फुसला के मेरे तक बुलाऊं, कोई जरूरत नहीं है भाई, मत देखना, ठीक है। देखिए अमन तास, एक ही साथ कमेंट है दोनों, अब एक संयोग बन जाता है कि एक साथ कमेंट आ जाते हैं। अमन तबीस बोलते हैं, अरे भाई ये पैसा कमा रहा है, फ्रॉड है ये, पैसा कमा रहा हूं मैं, कहां से कमा रहा हूं भाई, कौन दे रहा है मुझे पैसा, आप दे रहे हो, आपकी औकात नहीं होती 500 रुपये देने की। रोज के मेरे मोबाइल पे 100 मैसेज वो आते हैं सिर्फ इंक्वायरी लेने वाले, हाय हेलो वाले तो अलग रह जाते हैं, 100 मैसेज वो आते हैं जो इंक्वायरी लेने वाले, उनकी औकात नहीं होती है 500 रुपये देने की। एजेंट से आप ऐसी तैसी करवा लेते हो, 1,00,000 रुपये, 50,000 रुपये, सर मेरा मजे मेडिकल का 10,000 खा गया, सर मेरा वहां 20,000 फंस गया, मेरा 50,000 खा गया, उनमें आप कोई दिक्कत नहीं होती। यहाँ 500 रुपये देते आपको सही इंक्वायरी मिले, उसके लिए आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। कमेंट भी आप लोग वही कर रहे हो जो 500 रुपये देने की औकात नहीं रखते। और भाई मत दो, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपको जरूरत होगी तो देगा। अब मैं बता दूं, दुबई में आया हूं ना, 15 दिन में 5 लोगों ने मेरे खाते में 500-500 रुपये की फीस डाली है, 5 लोगों ने 15 दिन में, ठीक है। आप बोलोगे तो मैं रिकॉर्ड बना के वीडियो अलग से डाल दूंगा। और मैसेज मैंने पर डे 50 मैसेज करता हूँ, 750 लोगों में से 5 लोगों ने मुझे फीस दी है, तो मैं आंसर 5 लोगों की जिम्मेदारी होती है ना मेरी। बाकी आप अगर फीस 500 रुपये नहीं दे सकते तो फिर मेरी जिम्मेदारी कहाँ होती है, जिम्मेदारी वही होती है जब मैं फीस ले लेता हूँ, फिर आपका समाधान नहीं करता, वहां मेरी जिम्मेदारी बनती है, ठीक। अमन तफीस बोलते हैं, अरे भाई ये पैसा कमा रहा है, फ्रॉड है। इसके नीचे एक अच्छा मोहम्मद यासिर बोलते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हो सर जी। ये लोगों की सोच में फर्क है, मैं हर आदमी का स्क्रीनशॉट डालूंगा, आप चेक करना। ये हर आदमी की सोच पे डिपेंड करता है, कोई नीच स्वभाव का होता है, उनके माँ बाप ने उनको ऐसी शिक्षा दी है वो ऐसी बात करेंगे, जो अच्छे होते हैं वो अच्छी। हालांकि ये लोग बहुत कम है, मतलब मैं बता दूं आपको, YouTube ये बोलती है कि आपके
20% हेटर्स होते हैं, लेकिन मेरे तो 2% ही नहीं है यार। वो लोग हैं जो कोई खत्म है, उसकी कहानी नहीं है। ठीक है, अनिल कुमार बोलते हैं, तुम्हारे हर वैकेंसी पे सैलरी कम, सर्विस चार्ज ज्यादा रहता है, पता नहीं कौन चोर से जॉब की डिटेल लेके बताता है, और दुबई जाने वाले थे क्या हुआ, नहीं गए, झूठ क्यों बोलते हो, बता सकते हो तो बता दो, बता देना उधार रहेगा। एडवोकेट जी, अब इनकी लैंग्वेज देखो, अनिल कुमार इसने ये लिखा है, भाई वैकेंसी पगार कम होती है, पैसा ज्यादा लगता है, जरूरी है यार वहां पे जाना? कोई जरूरी नहीं होता भैया, सब अपने शो ऑफ रखते हैं। प्रदर्शनी देखिए, कहीं पे मेला लगता है और कहीं जगह अपने अपने सब रखते हैं, जिसमें अपने को पसंद आती है वो चीज लेते हैं, जो जो बोलते हैं फ्रॉड है साले, तू तेरा नंबर भी नहीं मिलता। अब देखो साजिद के लैंग्वेज, फ्रॉड है साले, तू तेरा नंबर भी नहीं मिलता, यानी नंबर नहीं मिलने का मतलब ये हो गया कि मैं फ्रॉड हूं। अब इनके इनको कौन समझाए? अब ये मेरे से अगर पर्सनली, भाई पर्सनली कॉल कर लिया करो, व्हाट्सअप कर लिया करो, फिर जवाब देता हूं मैं। और जिनको जवाब देता हूं उनको पता भी है कि मैं कितना भयंकर तरीके से जवाब देता हूं, कमेंट पर भी जवाब देता हूं मैं, यूट्यूब पे भी जवाब देता हूं, मुझे जरूरत नहीं है। चिकनी चुपड़ी बातें वो करेंगे जिनको बिजनेस करना है, सेटल करना है, मुझे नहीं करना। मैं हर बार 2 साल से बोल रहा हूं, 2 साल तो हो गए इस चैनल को चलते हुए, मुझे काम नहीं करना, मुझे आप लोगों की जरूरत नहीं है भाई जो ऐसी बातें करते हैं। ये वीडियो सिर्फ जो लोग विदेश जाते हैं उनको अगर गाइड अच्छी, मेरी मेरी वजह से कुछ लोगों का भला हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। और आप लोग अगर वीडियो देखते हो तो मत देखो, छोड़ दो चैनल को आज ही, कोई जरूरत नहीं है भाई, समझ गए बात को? ऐसी लो लैंग्वेज में अगर बात करोगे, आपके माँ बाप की भी शायद आप इसी तरह से बात करते हो, सही समझ रहे हो बात को? अपने मम्मी पापा को भी आप ऐसे ही बोलते होंगे। विशाल कुमार बोलते हैं, सर आपके पास चंडीगढ़ में हरियाणा का जेड नहीं है क्या? राजस्थान दूर पड़ता है अपने स्टेट में, और दिल्ली इंटरव्यू हो तो बट अटेंड नहीं कर सकते, पर राजस्थान थोड़ा दूर है। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपके सर्कल में कोई हरियाणा चंडीगढ़ के अच्छे एजेंट हो तो उनके बारे में भी बता दो। भाई एजेंट बहुत हैं, लेकिन किसी को रिकमेंड नहीं करूंगा, एक तो वीडियो बना के डालो फिर आपका काम नहीं होता, ये नहीं हुआ तो मेरे ऊपर आप चढ़ जाते हो, तो मुझे इंटरेस्ट नहीं है इन चीज़ों में। मैं तो आप बोलते हो ना तो ये वीडियो जॉब वाले बनाना भी बंद कर दूंगा, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, समझ गए बात को? मेरे पास अभी कोई है नहीं। मोहित बलियान बोलते हैं, जब जॉब डाल रहे हो तो आप एक टेलीकॉलर भी रख लो, उससे पूछ लेंगे, डिटेल भी बता देंगे, पूछ तो कोई नहीं आएगा भाई। टेलीकॉलर रख लो, क्यों पैसा मिलता है क्या मुझे? यूट्यूब देती है, गवर्नमेंट देती है, आप देते हो, कहां से रख लूं? कॉल तो मैं अटेंड नहीं कर सकता आपके, मुझे भी मेरे काम करने होते हैं, 500 रुपए की आपकी औकात नहीं है देने की, आप मैसेज आपको फ्री में सब कुछ चाहिए, ऐसे नहीं चलता हर चीज। आप भी तो विदेश जा रहे हो कमाने के लिए जा रहे हो, या मेरे लिए जा रहे हो, मेरा वीडियो देख के जा रहे हो कमाने के लिए? मेरे लिए नहीं जा रहे हो ना, अपने बीवी बच्चे परिवार को पालने के लिए जा रहे हो, एहसान थोड़ी कर रहे हो किसी के ऊपर विदेश जाके? पैसा लगता है हर चीज में, पैसा चाहिए, बिना पैसे कुछ भी नहीं होता, समझ गए बात को? एक राजेश चौबे है, इस आदमी को मैं साल भर से आंसर देने की दे रहा हूं, अभी ये क्या बोलते हैं? अशोक जी, पहले तो आप दलालों की शिकायत करते हैं, अब दलाली खुद करने लगे, वकील कभी यूट्यूब पर दलाली नहीं करते, भाई ये सब फर्जी लोग हैं, इसके झांसे मत आना जनाब। ये तो यूट्यूब पर सबको शिक्षा देते थे, अब दलाली शुरू कर दी। अरे भाई मैंने कौन सी दलाली शुरू कर दी? मैंने कौन सा तेरे को भेज दिया, तेरे को ऑफर दे दिया कि तू विदेश चला जा? और मैं कहाँ से भेज रहा हूँ? मैं तो सिर्फ वीडियो बना के डाल देता हूँ, अच्छा लगे तो देख लो, मत देखो। और कोई बहुत सारे वीडियो हजारों पढ़ते हैं यूट्यूब पे, रोज के हजारों वीडियो अपलोड होते हैं, उनको देख लो, किस किस को रोक दोगे? मैं तो मेरी जगह सही हूँ, मैंने आपको कमेंट भी दिया है, इस वीडियो का जवाब अपने वीडियो में मिलेगा, आपकी फोटो भी डाल दूंगा राजेश जी, देख लेना अच्छी तरह से, ठीक है ना? ये अपने दिमाग अपने पास रखो भाई, मुझे तो मत दो, समझ गए? एक है आसिफ इकबाल, अशोक LLB फ्रॉड है, इसको कॉल मत करना, ये तो ऊपर कमेंट आया, इसके नीचे एक और लिख दिया, इसने अपनी औकात दिखा दी, अशोक LLB चूतिया, इसका नंबर दिया बट कॉल रिसीव नहीं करता, इसका मतलब ये फ्रॉड है, इसको कॉल मत करना। तो मैंने कब बोला आपको कॉल करो? अगर कॉल रिसीव नहीं करने से अगर फ्रॉड हो जाता है तो भाई पूरी दुनिया फिर फ्रॉड ही रहेगी, ईमानदारी का डंका आपके पास ही है, आप ही बजाओगे फिर तो। एक बार कॉल अटेंड नहीं करने, कॉल तो भाई बंद कर दिया ना मैंने, झंझट ही खत्म कर दिया, मेरा नंबर बंद रहेगा परमानेंट, मुझे शौक नहीं है आप लोगों के कॉल अटेंड करने की, मेरा नंबर स्विच ऑफ कर लिया, व्हाट्सअप चालू है, प्रॉब्लम है फीस जमा कराओ, मुझे कॉल कर लो, मैं आपका समाधान करूंगा, समझ गए बात को? तो बस यही कहना चाह रहा था, ये हेटर्स थे इनको मैंने आंसर दे दिया, और भी अगर आप लोगों की इच्छा है तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं वीडियो के माध्यम से आंसर दूंगा ताकि सब लोगों को पता लगे, अगर मैं मेरी जगह सही हूं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी।
जय हिंद, वंदे मातरम।